सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, अभी मेरे सामने खड़ी है KTM RC 125 एंड मैं काफ़ी खफा हूँ KTM से। एंड फॉर एवरी KTM फैन बॉय, मेरे पास एक खुशखबरी है एंड एक बुरी खबरी है। एंड खासकर जो 390 ओनर्स हैं उनके लिए बैड न्यूज़ ही होने वाला है, बिकॉज़ KTM यार हर बार क्या करता है, जो सबसे उनका जो बढ़िया कलर होता है वो हमेशा 125 में दे देता है, एंड जो सबसे मतलब वाहियात कलर है वो 390 में चिपका देता है। सो अभी मेरे सामने खड़ी है RC 125 एंड देख सकते हो कलर स्कीम जो है काफ़ी बढ़िया रखा है, काफ़ी टॉप नॉच रखा है। एंड इस बाइक की क्या ऑन रोड प्राइस है, बाइक दिखने में कैसी लग रही है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। एंड आपको इसके जो भी प्राइस पॉइंट है उसमें एक्चुअली बाद में आऊँगा, उस प्राइस पॉइंट में ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, वी विल डिस्कस। एंड सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। सो फ्रंट में आप लोग को देख सकते हो पूरा टिंटेड वाइजर मिलता है, एंड ये टिंट ना मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने हाथ डाला तो मुझे थोड़ा सा ब्लूइश एक टच देखने को मिला। पहले मुझे लगा यहाँ पे एक ब्लू पन्नी रखा हुआ है तो उसकी वजह से है शायद से, बट ये जो टिंट है ना ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश है। सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बट जो सबसे वाहियात चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सबसे वाहियात चीज़ मुझे लगता है इसकी हेडलैम्प। एंड ये RC जो नई वाली RC है ना, बिकॉज उनमें आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं, तो वो जो हेडलाइट है वो टिंटेड है, बस इसमें देख सकते हो काफ़ी बढ़िया हाईलाइट हो रहा है। एंड ये एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिकॉज इसका शेप कुछ हाईलाइट करने लायक है नहीं, देख सकते हो शेप मतलब बहुत ही गंदा चीज़ से इंस्पायर्ड है ऐसा लग रहा है, तू समझा। सो वो मैं यहाँ पे ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊँगा। एंड हेडलाइट आपको हैलोजन में मिलता है, एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो DRLs आपको LED में मिलते हैं, DRLs देन टर्न सिग्नल्स आपको LED में मिलते हैं, सो यू कैन सी। एंड बॉडी में इंटीग्रेटेड आपको DRLs मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एंड बाकी एक बार स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ये हैलोजन लाइट है तो बिना स्टार्ट किए आप समझ नहीं पाओगे। सामने हैलोजन है वो दिखाने के लिए बस, तो देख सकते हो सामने आपको हैलोजन हेडलाइट मिलते हैं जो कि ठीक ही है इस सेगमेंट में। 125 में LED देने का कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ा सा कॉस्ट कट यहाँ पे किया है, अच्छा किया KTM ने, बट फिर भी कॉस्ट कट के बाद भी अगर आप इसका प्राइस सुनोगे तो दंग रह जाओगे। खैर वो सब बातें बाद में करेंगे, बाकी इसका स्विच ऑफ कर देते हैं। बाकी जो सबसे बड़ा USP है इस बाइक का, दैट इज़ द कलर स्कीम। कलर स्कीम काफ़ी बढ़िया रखा है, यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रेलिस फ्रेम है आपको ब्लैक में मिलता है, अलॉयज है वो भी आपको ब्लैक में मिलता है देख सकते हो। एंड जो दोनों वेरिएंट है ना, यानी दोनों वेरिएंट नहीं सॉरी दोनों कलर्स है 125 का, दोनों में ही आपको ब्लैक अलॉयज देन पूरा ब्लैक में चैसिस मिलता है। सो कहीं भी ऑरेंज का कोई नामो निशान नहीं है, लाइक 200 में फिर भी आपके पास ऑप्शन है, एक वेरिएंट में आपको ब्लैक मिल रहा है एंड एक वेरिएंट में आपको ऑरेंज अलॉयज है एंड ऑरेंज चैसिस मिल रहा है। बट वही पर अगर मैं 390 की बात करूँ ना, 390 में दोनों जो वेरियंट आ रही है उन दोनों में अलॉयज चैसिस पूरा आपको ऑरेंज में मिलेगा, सो वहाँ पे ब्लैक का कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी वाहियात लगा। एंड जैसा मुझे लग रहा है, देखो कलर स्कीम टू वी ऑन है, सबसे बेस्ट अभी इस वक्त 200 का है। 200 का जो लास्ट वाला वीडियो जिन्होंने चेकआउट नहीं किया चेकआउट कर सकते हो, जो ब्लैक वाला वेरिएंट है दैट इज़ लुकिंग डैम सेक्सी। बट ये जो ऑरेंज है ना ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे ये ऑरेंज जो है ये मैट ऑरेंज है जैसा आपको GP एडिशन में मिलता है, दिस इज ग्लॉस ग्लॉस मैट का जैसा आपको KTM RCs में कॉम्बिनेशन मिलता है वैसा यहाँ पे भी मिलता है। बाई द वे GP एडिशन से एक चीज़ याद आया गाइज, वैसे लास्ट वीडियो मैंने बताना भूल गया, जो 390 एंड 200 में GP एडिशन आती थी वो डिसकंटिन्यूड नहीं है, जो बाकी जो कलर वेरियंट है उनके जगह वो नई जो कलर आई है वो उन्होंने रिप्लेस किया है। सो अभी तक आपको GP एडिशन देखने को मिलता है। बाकी कलर एंड पेंट स्कीम की बात करें तो पेंट स्कीम आप टैंक में देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्लॉस है एंड जो फिनिश है ना वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इस पेंट का। ये पेंट स्कीम मुझे एक्चुअली काफ़ी पसंद आया, लाइट के अंदर ये जो पूरा ग्लिटरी इफेक्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक चीज़ है ये जो KTM का जो यहाँ पे स्टिकर देख सकते हो, यस दिस इज स्टिकर, ये अगर व्हाइट में रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, यानी ज़्यादा बढ़िया हाईलाइट होता। बाकी ये चीज़ें काफ़ी सही लगी, ये एक्चुअली ना ये सब स्टिकर्स है, बट ये अगर आप मतलब बारीकी से सामने आके नहीं देखोगे तो तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि ये स्टिकर है, यानी काफ़ी बढ़िया तरीके से कैमोफ्लॉज किया है, दूर से देखने में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये स्टिकर है एंड ये बॉडी का पेंट है। सो इट्स लुकिंग गुड। बाकी ये जो यहाँ पे RC का यहाँ पे देख सकते हो RC 125 देन KTM, ये सब भी स्टिकर में है। एंड यहाँ पे जो एरोडायनेमिक्स के लिए जो गोल गोल है यहाँ पे थोड़ा कटआउट है यानी स्टिकर का, सो इट्स लुकिंग गुड। बाकी कोशिश किया है कि ये जो टोन है और ये जो टोन है इन दोनों को सेम रखने का, बट इसकी जो ग्लिटरिंग इफेक्ट है ना, ये जो ओरिजिनल पेंट की जो ग्लिटरिंग है वो स्टिकर में उतना मैच नहीं कर पा रही है। बट ओवरऑल द बाइक इज़ लुकिंग गुड फ्रॉम द साइड प्रोफाइल, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी जो न्यू जेन RC का साइड प्रोफाइल है वही मुझे थोड़ा सही लगता है, हालांकि नीचे का पार्ट थोड़ा सा खाली लगता है। हमारी वाली जो BS4 वाली KTM आती थी उनमें नीचे बेली पैन रहता था, यहाँ पर लगता है कि नीचे से कुछ इनकम्प्लीट है, तो वो एक चीज़ है। बट
ड्यू टू दिस ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, मेरी वाली का जो अंडरबेली है वो टकराती है स्पीड ब्रेकर वगैरह से, बट आई होप वो इसमें नहीं देखने को मिले। बाकी 158 मिलीमीटर की आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, यानी ऑलमोस्ट 160 पकड़ के चलो। बाकी गाइस रियर में यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज ग्लॉस में मिलता है, एंड नीचे जो ब्लैक है ये पूरा मैट में है। एंड RC 200 में मैंने कहा था वहाँ पे स्टिकरिंग थी, बट यहाँ पे स्टिकर नहीं है, यहाँ पे ये पूरा मैट पेंटेड है। एंड हालांकि जो रेडी टू रेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टिकर है, सो ये एक बढ़िया चीज़ है, पूरा पीछे का आपको मैट में मिलता है। एंड मैं कह रहा हूँ ना, पेंट स्कीम हमेशा KTM 125 में सबसे बढ़िया वाला डालता है, एंड सबसे टट्टी पेंट स्कीम हमेशा 390 को मिलता है। अच्छा बात है, सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील वेरी अनफेयर। बाकी रेयर से बाइक कुछ ऐसी लग रही है, एंड देख सकते हो टेल लैम्प जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी टैंक यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज E20 कम्प्लायंट टैंक। बाकी आपको जैसा 200 एंड 390 मिलता है, यानी 13.7 लीटर की आपको टैंक मिलती है। एंड फ्यूल रेंज इज गुड बिकॉज 125 cc की मोटर है, तो ऑब्वियसली माइलेज आपको अच्छा मिलने वाला है। एंड आई गेस 50 के ऊपर आपको माइलेज दे देना चाहिए एटलीस्ट हाईवे में। बाकी मोटर की बात करें तो आप लोगों को 124 पॉइंट समथिंग सीसी का, यानी 125 सीसी पकड़ लो, 125 सीसी का आप लोगों को लिक्विड कूल DOHC इंजन मिलता है, जो कि जनरेट करती है ऑलमोस्ट 15 PS पावर एंड 12 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड पावर एंड टॉर्क इज़ गुड, बट 125 सीसी में टू बी वेरी ऑनेस्ट DOHC इंजन देन लिक्विड कूलिंग इन सब की उतनी आवश्यकता नहीं है। एंड इस पर मैं बाद में आता हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है जैसा आप लोगों को बाकी RCs में देखने को मिलता है। सब फ्रेम एंड मेन फ्रेम इज़ डिफरेंट, बट जो कलर है, कलर यहाँ पे सिंगल टोन रखा गया है, दोनों ही जो कलर आती है, यानी एक इसकी ब्लैक वेरिएंट भी है, उसमें भी आप लोगों को जो चैसिस है वो पूरा ब्लैक में मिलेगा, एलॉयज पूरा ब्लैक में मिलता है। बाकी एलॉयज एंड ब्रेक्स में काफ़ी वेट रिडक्शन है, देख सकते हो एलॉयज आपको जैसा RC 200 एंड 390 मिलती है वैसी सेम आपको मिलती है यहाँ पे। टायर सेक्शन RC 125 हो, 200 हो, 390 हो, सबकी सेम है। पीछे आपको 150 मिलती है एंड सामने आप लोग को 110 मिलती है। एंड दिस इज़ द सेम टायर जो आपको 200 में मिलती है, यानी MRF RevZ। सो दिस इज़ 110/70 R17। ये सामने एंड पीछे आप लोग को 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, एंड ये भी आई थिंक 150/60 है शायद से, यस 150/60 R17। यानी जैसे अपने बाइक में है वही सेम टायर। बाकी इंजन के पावर फिगर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड भागने में टू बी ऑनेस्ट बाइक जो है अपने अदर जो 125 सीसी के जो कंपटीशन है उनसे तेज़ है। एंड अगर हम बात करें बाइक रुकने में कैसी है, तो पीछे आप लोग को 230 mm एंड सामने 300 mm के डिस्क मिलते हैं। डिस्क जैसा आप लोगों को 200 एंड नई वाली RC में मिलती है, काफ़ी वेट रिडक्शन यहाँ पे भी देख सकते हो। सो दिस आर 320 mm, मैंने 300 बोला था क्या, सॉरी दिस आर 320 mm डिस्क एक्चुअली। सो जैसा आप लोगों को RC 390 एंड 200 में मिलता है सेम है, एंड टायर प्रोफाइल भी सेम है। एंड KTM यार अपने सारे बाइकों में सेम टायर सेक्शन रखता है, पता नहीं क्या बात है। 125 में अगर उतनी पावर नहीं है तो आई डोंट थिंक कि उतनी मतलब वाइड टायर्स की ज़रूरत है, बिकॉज इससे आपका माइलेज एंड जो मतलब पावर आउटपुट है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है, तो पावर लॉस फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा होता है। बाकी सीटिंग गाइस देख सकते हो, सीटिंग पहले से काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी जो पुरानी जनरेशन वाली RC से, एंड ये मैं पहले भी आप लोग को दिखा चुका हूँ। एंड न्यू जेन जो RC है उनकी सीट यहाँ पे थोड़ी सी हिलती है, बट इस ओके RC की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। एंड सीट की कुशनिंग बढ़िया है, सीट आर कंफर्टेबल। एंड अभी थोड़ा सा बैठ के दिखाते हैं आपको कैसा है कैसा नहीं है। सो गाइस 824 mm की सीट हाइट है, एंड मेरी हाइट है 5'9" एंड मैं भी देख सकते हो, तो फ्लैट फुट टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरा फ्लैट फुट तो नहीं हो रहा, बट टिपटो भी नहीं हो रहा, कहीं ना फ्लैट फुट एंड टिपटो के बीचों बीच है। एंड एक्चुअली मैं काफ़ी पतले सोल के जूते पहन के आया हूँ, तो वो भी एक बात है, बट जहाँ तक मुझे लगता है 5'5" के नीचे वाले बंदे भी इसको चला सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड बाइक बैठने में चलाने में काफ़ी लाइट फील होती है, एंड कुछ ऐसा कॉकपिट आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड पूरा अगर मैं अपराइट बैठूँ तो यू कैन सी द बाइक इज़ स्टिल एग्रेसिव, सो थोड़ा सा आपको झुक के बैठना पड़ता है। बाकी इसको ऑन करते हैं, सो बाइक कुछ ऐसा आपको वेलकम करती है। यहाँ पे देख सकते हो रोड लिखा हुआ है, एंड अगर आप नहीं देख सकते हो तो मैं यहाँ पे आईफोन का वीडियो जो है अटैच कर दूंगा, बिकॉज GoPro में कभी कभार ये सब चीज़ जस्टिस नहीं हो पाता। सो ये जो मीटर कंसोल है ये आपको सेम जो RC 200 में देखने को मिलता है वही है, एंड ऑल्सो आई थिंक Adventure 250 में भी आप लोग को सेम ही देखने को मिलता है। सो कंसोल आपको फुल्ली डिजिटल TFT डिस्प्ले मिल जाता है, एंड यहाँ पे सेट के बटन, एंड ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो
स्विच यहाँ पे दिया है, ये मुझे उतना पसंद नहीं। अगर ये मोड वाले बटन यहाँ पे रहते तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता। बाकी देख लेते इसमें क्या है। बाय द वे गाइस, ब्रेक्स का मैंने जैसे बताया, जो सेम 200 वाली ब्रेक्स इसमें मिलती है बाइब्री की, सामने 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड एंड पीछे सिंगल पिस्टन कैलीपर मिलते हैं, फ्लोटिंग कैलीपर। बट काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें सुपर मोटो मोड मिलता है कि नहीं। सो 125 में आप लोग को सुपर मोटो मोड मिलती है। अब वो कैसे, ये बाइक बाय डिफ़ॉल्ट ही सुपर मोटो में रहती है। सो इसमें आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सेट, यहाँ पे रोड आ गया, देख सकते हो रोड में है ये। एंड क्या आता था जैसे 200 में, ये सेट वाला बटन अगर मैं दबा के रखूँगा तो सुपर मोटो मोड एक्टिवेट हो जाएगा। बट इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, की प्रेस दिखा रहा है रिलीज बटन। सो ये वापस रोड में दिखा रहा है। एंड रोड का मतलब ये नहीं है कि डुअल चैनल ABS है। जहाँ तक मैंने इनसे पूछा कि इसमें सिंगल चैनल है या डुअल चैनल, तो शोरूम वालों ने मुझे बोला कि सिंगल चैनल है, बट साइट में अब कुछ और ही लिखा हुआ था। अब शायद से वो फॉरेन स्पेक्स के अकॉर्डिंग है, बट जैसा मुझे पता है हमारे इंडिया में सुपर मोटो मोड नहीं आ रहा एंड सिंगल चैनल ABS के साथ आ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर एंड यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे टाइम, ये सब मिल जाता है आपको। एंड थोड़ा सा टॉगल करके दिखा देते क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता। सो लो फ्यूल का वार्निंग, फ्यूल रेंज, सो डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब मिल जाता है। ट्रिप वन, ट्रिप टू, ट्रिप मीटर्स तो आप लोग को हर बाइक में मिल जाता है। सो बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत है वो सब मिल जाते हैं। पीछे कहीं पे USB पोर्ट वोट है क्या? नहीं नहीं है। सो चार्जिंग के लिए कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। बट क्लच आपको लाइट मिलता है। सो आई डोंट थिंक इसमें स्लीपर क्लच मिलता है, स्लीपर क्लच शायद से नहीं मिलता इसमें, बट क्लच काफ़ी लाइट लग रहा है। सो आई डोंट थिंक यू नीड दैट। एंड एक बार हॉर्न मार के देखते कैसी है। सो हॉर्न कुछ ऐसी बढ़िया है। बाकी 13.7 लीटर की आप लोग को अभी फ्यूल टैंक मिलती है एंड इसको ग्रिप करना काफ़ी आसान है। बाकी पीछे आप लोग को यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। पिलियन के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जगह उतना अच्छा खासा नहीं है। एंड आई डोंट नो अगर मैं पिलियन होता तो इसको पकड़ भी पाता कि नहीं। बाकी पीछे मडगार्ड मिल जाता आप लोगों को। एंड यस, ये टेल टाइडी जो है ये मडगार्ड का काम नहीं करता। बाकी लिवर्स आपको ऐसे फोल्डेबल मिलते हैं, देख सकते हो। सो इनकेस अगर आप क्रैश वैश करते हो तो थियोरेटिकली दिस शुड सेव यू, बट ओवर द टाइम ना ये सब चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। बाकी का हैंडलिंग की बात करूँ तो सामने आप लोगों को WPFX का सस्पेंशन मिल जाता है, 43 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। एंड वहीं पे पीछे आप लोगों को मोनोशॉक मिल जाता है, दिस आर ऑल्सो फ्रॉम WPFX। ट्रैवल जहाँ तक मुझे लगता है फ्रंट में 120 मिलीमीटर एंड पीछे 150 मिलीमीटर की है। बाकी का वीडियो ख़त्म करने से पहले वंस अगेन चेकआउट कर सकते हो, ये लुक्स ही एक्चुअली मेन है। जो मेन USP 125 की, दैट इज़ द लुक्स। ये अपने 390 सिबलिंग से भी बढ़िया लग रही है। बाकी मिरर आपको जैसे फोल्डेबल मिलता है 200 में भी, 390 में भी, ऐसे ही आ रहे हैं अभी। बाकी ये जो न्यू जन RC है, यानी जो सेकंड जन RC है, ये एरोडायनेमिकली अपने पुराने वाले जो सिबलिंग है उनसे ज़्यादा बेटर है। तो अभी अपन लोग वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका प्राइस बताता हूँ ऑन रोड कितनी है। एंड वही एक्चुअली मेन है इस वीडियो में, बिकॉज उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मुझे आप लोगों को बताना है। तो गाड़ी अपनी न्यूट्रल में है, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये था KTM RC 125 का एग्जॉस्ट नोट। आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताओ। सो गाइज, अभी बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। सो KTM RC 125 2024 आप लोगों को कोलकाता में ऑन रोड पड़ेगी 2,18,000। एग्जैक्ट फिगर्स आपको नीचे आ रहे होंगे। एंड ये जो प्राइस सेगमेंट है, इस प्राइस में आप लोगों को 125 cc की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए कि नहीं, मतलब अगर आप शौकीन बंदे हो तो लो, कौन मना कर रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं लेता, बिकॉज इससे अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे, यानी ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 अगर आप ज़्यादा दोगे तो आप लोगों को जिक्सर 250 SF, देन R15 ऐसी मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी, यानी R15M मिल जाएगी। एंड R15 के जो बाकी वेरिएंट है वो इससे भी कम प्राइस करती है। एंड वो बाइक जो है वो 200 cc की बाइकों को टक्कर देती है। एंड 200 cc की बाइक्स में RS 200, देन आपकी करिश्मा XMR एंड R15 के M के अलावा जितने भी वेरियंट्स हैं, यानी जो मैजेंटा वाला कलर है वो वाला भी, उसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, VVA टेक्नोलॉजी मिल जाता है, एंड वो बाइक ऑलमोस्ट 150 तक जाती है। सो वो सब अगर मेरे को ऑप्शन में है तो मैं ये क्यों लूँ, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी फेयर्ड एंड सेमी फेयर्ड में और भी काफ़ी सारे नाम अभी इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे पल्सर की आपकी 220
250 एंड आरएस तो मैंने बता दी ऑलरेडी, एंड करिश्मा XMR की अभी मैंने बात की तो वो भी मतलब अभी इस वक्त 200 सीसी में डोमिनेट कर रही है, उसकी भी प्राइसिंग इससे कम है। एंड इसकी जो प्राइस है ये एक्चुअली 125 सीसी की प्राइस है ही नहीं, इसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा दे के रखा है। एंड आई रियली डोंट नो वो कौन लोग हैं जो 125 सीसी के लिए 2 लाख से ऊपर खर्चा करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बाइक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं जमा। अगर ये बाइक 150,000 के आसपास भी होता तो भी मैं कुछ सोच सकता, यानी जैसे आपकी अभी एक्सट्रीम 125 हो गई, देन रेडर 125 हो गई, सो ये सब बाइकें जो है 120,000 के नीचे ही आती है। बट ये बाइक ऑलमोस्ट अपने जो सेगमेंट है यानी सीसी वाइज इसकी जो सेगमेंट है उससे 1 लाख ज़्यादा में आ रही है, 1 लाख ज़्यादा अपने सेगमेंट से, मतलब समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। जब ये निकली थी ना तब इसके पास एक प्लस पॉइंट था कि KTM का उस वक्त एक ब्रांड वैल्यू था, एंड अभी तो आप लोगों को मालूम ही है कैसे कैसे लोगों ने, कैसे कैसे अतरंगी लोगों ने इसको मतलब इसका नाम कितना बदनाम करके रखा है। सो वो जो ब्रांड वैल्यू वाला जो एडवांटेज था अभी इसके पास वो भी नहीं है। बाकी कलर इज़ लुकिंग वेरी गुड, कलर इज़ लुकिंग टॉप नॉच, एंड 125 सीसी की जितनी भी मोटरसाइकिल्स है उसमें पावर एंड टॉर्क इसकी सबसे ज़्यादा है। बाकी किसको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, वेल आई डोंट हैव एनी आइडिया, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में बताओ। खैर यही था KTM RC 125 का एक डिटेल वॉक अराउंड, क्या क्या आप लोगों को इसमें मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, आई थिंक मैंने आप लोगों को सब कुछ कवर कर दिया होगा। एंड इसकी जब मैंने ऑन रोड प्राइस मैंने देखा ना तो मुझे इतना शॉकिंग लगा, बिकॉज 4 साल पहले जब मैंने अपनी RC 200 ली थी BS4 तो वो मुझे पड़ी थी 2,24,000 ऑन रोड, एंड ये बाइक ऑलमोस्ट उसके क्लोज है। इट्स वेरी शॉकिंग, मैं होता तो नहीं लेता, बाकी अगर आप लोग लेते हो तो मुझे कमेंट बताओ क्यों लेते हैं। एंड खैर लेट्स एंड दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब, बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा हो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो को व्लॉग में, तब तक राइड हार्ड राइड सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।